नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फ्लावर फ्राई करने का तरीका। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है फ्लावर, आधा कांदा, अदरक का टुकड़ा, कड़ी पत्ता, काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 शिमला मिर्च, कॉर्नफ्लोर का आटा, चावल का आटा, विनेगर, नमक, सोया सॉस। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम फ्लावर को कट कर लेंगे। इस तरीके से हम फ्लावर को पहले देखिए ऐसा लंबा लंबा कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम फ्लावर को कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने सारी फ्लावर कट कर ली है लंबी लंबी। देखिए अब हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पहले नमक स्वाद के अनुसार। फ्लावर को हमने धो के लिया है। काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, चावल का आटा, कॉर्न का आटा, और पानी हम इसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है मसाला लगा के। अब हम इसे साइड में रख के इसका बनाने का मसाला तैयार करते हैं। अब हम कांदे को बारीक कट कर लेते हैं। कांदे का आधा टुकड़ा हमने लिया है, इसे हम बारीक कट कर लेंगे। अब हम शिमला मिर्च को भी कट कर लेते हैं। देखिए हम इसको छोटा छोटा कट कर देते हैं। देखिए शिमला मिर्च भी हमारी यहाँ पे कट चुकी है। अब हम अदरक को काट लेंगे। अदरक को हम इस तरीके से काट के इसके बारीक टुकड़े इसमें कर लेंगे। बहुत ही छोटे छोटे और बारीक टुकड़े हमें करना है अदरक के। देखिए अदरक तैयार है टुकड़े कट के इसके। अब कड़ी पत्ते को हम तोड़ के इसके पत्ते अलग कर लेते हैं। तो अब तैयार है हमारा मसाला। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राई करते हैं हम पहले फूल गोभी को। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को हम रख देते हैं गर्म होने के लिए। कढ़ाई अब हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। फ्लावर को हमें फ्राई करना है। तेल को हम गर्म होने देते हैं। देखिए तेल अब हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्लावर जो हमने मसाला लगा के रखा था। इस तरीके से हम तेल में छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा फ्लावर यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर इसमें आया है। अब हमारे बचे हुए बाकी फ्लावर भी हम इसमें डाल देंगे तेल में फ्राई करने के लिए। देखिए अब ये हमारे फ्लावर भी ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे भी तेल से निकाल लेते हैं। अब हमने गैस ऑफ कर दिया है। जो तेल इसमें है एक्स्ट्रा वाला हम इसे हटा देते हैं।
और मसाले के लिए हम थोड़ा सा तेल इसमें रहने देंगे बस। तो देखिए हमने तेल इसमें से हटा दिया है और थोड़ा सा तेल हमने मसाले के लिए रहने दिया है। अब हम गैस को ऑन कर लिए हैं, तेल हमारा गर्म है। अब तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 अदरक कटा हुआ, इसे हम मिला लेंगे। कड़ी पत्ता डाल देंगे हम, अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च, कटा हुआ कांदा, इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब हमारा मसाला ब्राउन हो चुका है, हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, विनेगर और हमारे फ्लावर तले हुए। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, इसे मिला लेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं, तैयार है हमारे फ्लावर फ्राई। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। अब हम इसे प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा फ्लावर फ्राई यहाँ पे बनके तैयार है। काली मिर्च डाल के हमने इसे बनाया है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।